गाइस, मैं खुशी रूप आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। दूल्हे की डिमांड थी कुछ और शादी में मिल गया एक बाइक और उसके बाद लड़की के साथ किया कुछ ऐसा कि आप भी जान के हो जाएंगे हैरान। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। ये एक दहेज को लेके मामला कि आप लोगों को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने वाला है कि आजकल के जमाने में भी ऐसे गंदे लोग रहते हैं। मेरे साथ बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। उत्तर प्रदेश के सुल्तानगंज से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जिसको देख के, जिसको सुन के आप काफी ज्यादा एक्चुअली गुस्से में आने वाले हैं, क्योंकि आजकल के जमाने में भी ये सब चीजें होती हैं। मुझे भी इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा था, पर आजकल भी ऐसे छोटे दिमाग वाले लोग और छोटे दिमाग वाले परिवार हैं जो कि दहेज के नाम पर आज भी लड़कियों को जला रहे हैं, मार रहे हैं, लड़कियों को बहुत ही ज्यादा बेइज्जत करते हैं, घर से निकाल देते हैं और उनके बच्चों को भी घर से निकाल देते हैं। मानो कि उनके घर में कोई औरत नहीं, कोई लक्ष्मी नहीं, कोई नौकरानी आ गई हो। ऐसा ही मामला जो हमारे सामने आया है वो है दिशा का। उसका पति है राहुल। एक्चुअली 10 महीने पहले इन दोनों की शादी हुई और दिशा के पापा ने ये चीज बोली कि एक्चुअली शादी में मैंने 3,50,000 रुपया खर्चा किया था और उस दौरान उसकी जरूरत का हर एक सामान मैंने दिया जो मेरे हाथ में था। उसी दौरान मैंने अपने जमाई राहुल को भी एक बाइक गिफ्ट किया था और फिर उसके बाद उन्होंने मेरी बेटी को काफी ज्यादा सताना शुरू कर दिया, मारपीट करनी शुरू कर दी और काफी ज्यादा सताते थे और उसी के बाद बोलते थे कि और भी पैसा लेके आओ, जो कि आजकल एक्चुअली आप लोग कहीं ना कहीं सीरियल्स वगैरह में देखते हैं, पर ये सब चीजें सच में भी होती है, तभी तो सीरियल बनते हैं। तो दिशा काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, तो इसीलिए उसके पापा ससुराल से उसको मायके ले आए और उन्होंने ये चीज बताई कि उनकी जो डिमांड थी, उनकी डिमांड थी गोल्ड की चैन, बुलेट और कुछ कैश और फ्रिज और कूलर और काफी सारे गहने और उसी के साथ जो घर में जो सामान रहता है वो सब चीजों की डिमांड थी जो कि उनके पिताजी पूरा नहीं कर पाए। पर उनके उस दिशा के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, तो इसीलिए उसके पिताजी दिशा को मायके ले आए। पर करवा चौथ पे उन लोगों ने सोचा कि दिशा को वापस लेने के लिए आ जाए, तो राहुल और राहुल के कुछ दोस्त वहां पर आए और थोड़ा बहुत समझाया और समझाने के बाद दिशा के पिता ने अपनी बेटी को ससुराल वापस भेज दिया और भेजने के बाद ये खबर आई कि दिशा की मौत हो चुकी है। अभी वो आरोप लगाया गया है कि दिशा की जो मौत हुई है वो गला घोटने से हुई है और गला घुट गया है और ये सब चीजें 8 लोगों ने की है जो कि परिवार में रहते थे और वो लोग अभी फरार है और ये केस अभी दर्ज कर लिया गया है। केस दर्ज करने के बाद अभी उनकी छानबीन हो रही है, उनको तलाश किया जा रहा है। जल्द से जल्द पुलिस ने बोला है कि ऐसे आरोपियों को जल्द से जल्द कब्जे में ले लिया जाएगा। तो गाइस ग्रो अप, इतना ज्यादा लड़कियों को, जो लड़कियां आजकल प्लेन चला रही हैं उन लड़कियों को मारा जा रहा है, इतना नहीं समझ रहे हैं कि लड़कियों से ही आगे समाज चलता है, लड़कियां ही ज्यादा समझदार होती हैं और उस जगह पर ये सब चीजें समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों को समझाया कैसे जाए। मेरी नजर में तो ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर चाहिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।